उसको लेकर बस ठीक है एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, दिल्ली पुलिस ने ऑर्डर मान लिया, इसमें कहना क्या है? यही है कि भाई ठीक है एफआईआर दर्ज होगी, अच्छी बात है। इसके बाद भी आप ये नहीं, ये अभी क्या आप धरने से आप हट जाएंगे अगर? नहीं 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 नहीं, एफआईआर से हमें हासिल क्या, एफआईआर से न्याय थोड़ी मिलता है। एफआईआर तो दिल्ली पुलिस को पहले ही दिन कर लेनी चाहिए थी। तो अभी तो हमारी जो ये है ऑन पेपर लड़ाई स्टार्ट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना संज्ञान में लिया है मामला, और अभी उसके बाद देखते हैं हमारी लीगल टीम और हमारे जो कोचेज हैं वो बोलते हैं क्या करना क्या। पुलिस प्रशासन यहाँ पे बर्ताव कर रहा है, लाइट काट दी गई है, खाना अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे, कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया, कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने एसएचओ साहब से एसीपी साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है, ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटी ऐसे होती तो आप क्या करते? और आज से पहले तक कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे बिजली की? आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, आज से पहले इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। बिजली आज कटी या पहले? आज कटी है बिजली। बजरंग जी, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे हुआ, क्योंकि पहले इसे मतलब आपने शिकायत दी थी? सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के ही दबाव से हुआ। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में नहीं होता तो पहले ही कर लेता। बिजली पानी भी नहीं आने दे रहे हैं, क्या क्या दिक्कत हुई? कुछ भी नहीं आने दे रहा, सब कुछ लॉक कर दिया गया है और बोल रहे हैं धरना देना है तो आप लोग जमीन पे सो जाइए। बजरंग भाई, एफआईआर दो की गई है, सात लोगों की कार्रवाई कर रहे हैं अभी हमारे पास। एफआईआर क्या निरीक्षण और आगे की क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी ये बताइए। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी वो कर ले।